हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777 77। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग नो कॉन्टैक्ट पे होने वाली है। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की एनर्जी और साथ में ये क्वेश्चन बिल्कुल एंड में कि क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। कल मैंने पोर्टल 12:12 की रीडिंग अपलोड की थी, बहुत सेंटिमेंटल रीडिंग थी, लेकिन आई थिंक यही रीडिंग की खूबसूरती होती है कि उसमें आप बिल्कुल होल हार्टेडली आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप रीडिंग करते वक्त, क्योंकि पता होता है कि आपके व्यूअर्स देखेंगे इस रीडिंग को, तो उन तमाम लोगों की एनर्जी जो उसमें अट्रैक्ट होती है, मर्ज हो जाती है, और फिर उसके थ्रू जो वर्ड्स आ रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत मोटिवेशनल रीडिंग थी। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग उस रीडिंग को ज़रूर देखें। इनफैक्ट आपकी लाइफ में जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आप उनसे ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कौन किसके लिए हेल्प का, सपोर्ट का ज़रिया बन जाए, कौन सी गाइडेंस किसको मिल जाए और वो आप ही के शुक्रगुजार हों। तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर, ठीक है ना। एंड टुडे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी, और फिर देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं, और फिर एंड में कि क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। टाइमलेस जनरल कलेक्टिव नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की एनर्जी। ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, डेफिनेटली 18+ होती है। 18+ से मुराद बिल्कुल पॉन रीडिंग नहीं है, लेकिन मेच्योर लोगों के लिए है, ठीक है। तो वही मैसेज दीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से आपको मैच करते हुए लगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एंड में चेक करेंगे। द एम्प्रेस, ऑलराइट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द स्टार, ऑलराइट। द सन, ऑल स्ट्रेट अवे, तीन मेजर आर्कानास, एंड फाइनली 8 ऑफ कप्स, ऑलराइट। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बिल्कुल क्लियर रीडिंग है, कोई इसमें घबराने की और कोई सोचने की और इसको बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की और डीप मैसेजेस लेने की बात नहीं है। आपके आपके पार्टनर को बिल्कुल क्लियरली और स्ट्रेट फॉरवर्डली ये लग रहा है कि आप अब इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं रुके हुए, आप मूव ऑन कर चुके हैं। और मूव ऑन होने की वजह क्या, एक तो ये विद द एम्प्रेस कार्ड। साइंस में पहले बता दूँ, चलें बता देती हूँ, ठीक है ना। टॉरस की एक्वेरियस की रंजी बहुत स्ट्रांग है विद द स्टार कार्ड, इट्स लियो एज वेल, इट्स एक्वेरियस टू। द सन कार्ड लियो एंड 8 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, बहुत स्ट्रांगली। एम्प्रेस के कार्ड से सबसे पहली बात तो ये कि आप किसी के भी हाथों मिसयूज़ नहीं होना चाहते, आप किसी के भी हाथों अब अफेयर वाली फीलिंग आपकी नहीं है। आपकी एनर्जी कभी भी नहीं थी कि आप किसी का फ्लेवर बने, आपकी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है, आपकी इंटेंशन भी रही है कि जेन्युइन है तो जेन्युइन रिलेशनशिप रहे। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो पर्सन आपके लिए सोचते हैं, एक तो ये कि उनको वाकई अंदाज़ा होता है बहुत स्ट्रांगली कि उन्होंने किसको मिस किया। अल्टीमेट हैप्पीनेस उनकी चली गई उनकी लाइफ से जब आप उनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हैं। वो ये फील कर सकते हैं, वो ये सेंस कर सकते हैं। आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि एक इंसान ऐसा दावा करने वाला कि जैसे वो रह ही नहीं सकेगा और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और ये हो जाएगी, अब कैसे ये रह रहे और कैसे। तो भाई, हर इंसान को ज़िंदगी में गाइडेंस मिलती है, हर इंसान को ज़िंदगी में कोई बहाना, कोई ज़रिया और सहारा, और जिसे कहना चाहिए ना कि संभलना मिल जाता है। तो यही हुआ है आपके साथ, लेकिन आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में होते हुए अगर मैं आपके पर्सन की तरफ से देखूं कि वो आपके लिए किस तरह से सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक बात तो ज़रूर सोचते हैं, उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है विद द एम्प्रेस कार्ड। दूसरी तरफ ये कि आपकी जो इंगेजमेंट है, यानी आपने जिस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली अपने आप को इंगेज किया है, वो चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि आप किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। शायद आपका कोई कम्युनिटी पेज है, शायद आपका कोई चैनल है, आपका कोई इंस्टा इन्फ्लुएंसर पेज है, आप फेसबुक पे एक्टिव हैं, या कोई आप लोगों का कोई सोशल इंटरेक्शन ऐसा है जहाँ पर आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या मुझे बहुत सीक्रेटिवली ऐसा लग रहा है कि आपका कोई फ्रेंड है जो कि सीक्रेटली आपकी आपके साथ म्यूचुअली कनेक्टेड है और आपकी न्यूज़ इनको देता है। तो आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये विटनेस कर रहे हैं कि आप उनके बगैर किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और ग्लो कर रहे हैं।
दूसरी बात ये कि अगर ये तमाम चीज़ें आपकी तरफ हैं तो ये वाइस वर्सा आपके पर्सन की तरफ भी हैं। आपके पर्सन ने इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जिस चीज़ को प्रायोरिटी दी वहाँ पर उनको वो हीलिंग और वो स्मूथनेस और वो एक्टिव रिस्पांस नहीं मिला जो आपके साथ उनको मिलता था, यानी कि मिला है द सन का कार्ड। तो नो कॉन्टैक्ट डेफिनेटली आप लोग बातचीत में बिल्कुल भी नहीं है, और किसी हद तक आपके पर्सन ये सेंस कर चुके हैं दैट ही और शी इज़ ट्राइंग एंड स्ट्रगलिंग, नॉट स्ट्रगलिंग, आई थिंक दे हैव प्लान टू मूव ऑन। निकल जाने की बिल्कुल क्लियर यहाँ पर रीडिंग आई है। तो आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी एनर्जी ऐसी है, और इस वक्त आपके पर्सन रिजिस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर वो देख रहे हैं कि आपके अंदर इतना पावर है, आपके अंदर इतनी ब्यूटी है, आपके अंदर इतनी हार्वेस्टिंग सी एक आपकी एबिलिटी है, लाइक विद दिस एम्प्रेस कार्ड आई कैन ईजिली सी दैट यू आर वेरी नेचुरल। आई मीन आपको ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद होंगी, आप अपनी ब्यूटी का ख्याल रखते होंगे, और हर वो चीज़, कुछ लोग जो होते हैं वो मिस्टीरियस हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनका पार्टनर जो है वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है। तो ये कॉमन सी एक लोगों की थिंकिंग है कि वो समझते हैं कि अपना ख्याल ये किसी की वजह से रख रहे हैं, लेकिन जो जब इंसान अपना ख्याल सिर्फ अपनी वजह से रखने लगता है, अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का, अपनी स्लीप का, अपनी स्किन रूटीन का, तो उसकी सही मायनों में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और फिर हर किसी को तकलीफ़ और परेशानी शुरू हो जाती है। तो ये इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन ने आपकी आपकी ग्लोइंग को, आपकी ग्रोइंग को देखा है, तो उसमें उनको ये काफ़ी परेशानी सी हो रही है कि ये मतलब ये अपने बाल क्यों नहीं नोच रही, और ये अपनी रो क्यों नहीं रही, ये पिट क्यों नहीं रही। अब भाई क्यों रोए भाई, बिला वजह में तुम कम थे रुलाने वाले व्हाट्सोएवर। तो ये चीज़ें इन्होंने विटनेस की हैं, और प्लस इनको ये लगता है मिस्टीरियस हो रहे हैं तो होने दें, बट इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो मैं एक बात बहुत स्ट्रांगली क्लेम कर सकती हूँ, उन्होंने उनकी खुशी आपके साथ है। उनको पता है कि जो टाइम गुजरा बेस्ट गुजरा, जो टाइम स्पेंड किया अच्छा गुजरा, और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लग रहा है कि ये तमाम बातें जेन्युइन हैं, ये वजह बनती है, ये रीज़न बन रही है कि आपका जाना जो है वो बनता है। अगर आप इनको आपने इनको इन्होंने आपको सही सर्व नहीं किया, आप जो डिज़र्व करते थे उस तरीके से, और आपने इनको इन्होंने आपको ट्रीट नहीं किया, तो आपका डेफिनेटली जाना बनता है। या तो आप फुल फ्लेज प्लान कर चुके हैं कि आप यहाँ से निकल जाएंगे, आप इस रिश्ते में नहीं रहेंगे, और इस नो कॉन्टैक्ट में आपको अपने डिसीजन के ऊपर और ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, बिकॉज उनकी तरफ से सोचे 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 बहुत हैं लेकिन एफर्ट कोई नज़र नहीं आ रही। अगर सब कुछ ये महसूस करते हैं तो कोई एफर्ट क्यों नहीं है। द टावर, लड़ाई हुई हुई है आप लोगों की, आई थिंक आपने लड़ाई करके बात ख़त्म कर दी है, और आप लोग अभी वाकई नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो कि लड़ाई से बिल्कुल क्लियर हो गया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और थर्ड पार्टी, इन्होंने आपको किसी ज़ाहरी तौर पर और किसी पैसे वाले के तौर पर, जिसके पास फाइनेंसिस थे और जिसके पास इनको पावर नज़र आ रही थी, उसकी वजह से इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, और इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में ये उसी के पास हैं। और इस लड़ाई के बाद आपने बिल्कुल इनको ये दरवाज़ा खोल के दिया कि प्लीज़ ज़रा इस तरफ मुड़िए, और धाड़ आपने पीछे लात मार दी, बिकॉज आपको थर्ड पार्टी का पता चल गया था। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपके सामने कार्ड्स पड़े हुए हैं, आप आसानी से खुद समझ लें, और आई थिंक मेरे साथ टैरो रीडिंग देखते देखते आप लोगों को काफ़ी हद तक टैरो रीडिंग आ गई होगी। थ्री ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी का कार्ड होता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, दैट मीन्स कि ये किसी के साथ हैं, और ये इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि तुम जिस तरह से चेंज हो रही हो, या तुम जिस तरह से चेंज हो, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी दोनों में किसी में हो सकती है, तो तुम जिस तरह से चेंज हो रहे हो तो ये मेरा भी चेंज होना बनता है। तुम यानी कि वो जो मैंने पहले बात कही ना कि अपना ख्याल अपनी वजह से रखने में भी लोगों को तकलीफ़ होती है, कोई है ज़िंदगी में तभी आप इतने चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ये इनके जहन में ज़रूर है। इसलिए इनके पास जिसे कहना चाहिए ना बहाना चाहिए, कि बहाना मिल जाए किसी तरीके से इस बात को प्रूफ करने का। लेट्स सी वन मोर कार्ड, टू ऑफ कप्स। ये जैसे मैंने कहा कि इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस आप हैं, और इनको इस नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन में ये फील होता है, जो ये इनको अंदाज़ा होता है कि जो टाइम आपके साथ गुजरा, जो एनर्जी आपके साथ फील की, वो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ नहीं है, ये मेल हो या फीमेल, बिकॉज फाइनेंशियली तो स्टेबिलिटी है, लेकिन उनका दिल आपकी तरफ है,
तो टू ऑफ कप्स के साथ वो शायद वो पैचअप करने की भी बात करें, बिकॉज उनको रियलाइज भी हो रहा है, ये खुद भी थोड़ा सा थर्ड पार्टी फील कर रहे हैं, ये खुद भी एक बिल्कुल सिमिलर हैं। शायद आपको पता चला है कि जब इन्होंने आपको इस तरह का सिग्नल दिया, आपको इस तरह की वाइब्स दी और आपने जब डिसीजन बना लिया, तो जब ये जिसकी वजह से इन्होंने ये आपके साथ सब कुछ किया उसने भी इनको थर्ड पार्टी में डाला, तो यहाँ पर ये एक तरीके से एक डोर और एक विंडो ओपन करने की बात कर रहे हैं। और विद द टू ऑफ कप्स ये मिस करते हैं, इनको इनका दिल कर रहा है, इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से हम लोग का रीयूनियन हो जाए, एंड पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है, लेट सी मोर। तो ये तो करंट एनर्जी है, अब ये चेक करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, लेट सी। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या आपको मिस करते हैं, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। द लवर्स, यस, बिल्कुल मिस कर रहे हैं। जेमिनाई आया है, अच्छा ऊपर बता दूं, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी आई है, द हर्मिट आया है। अब इसके बाद मैं आंसर ले लेती हूँ, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, बिल्कुल मिस करते हैं, और उनको ये भी पता है कि ये चीज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। विद द डेथ कार्ड चैप्टर हैज़ बीन एंडेड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप नाराज़ हैं और ये आपको मिस करते हैं। अगर ये आपसे बात भी करना चाहें तो बात करते हुए डरते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आप गुस्से में हैं, इन्होंने ज़्यादती की है आपके साथ। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हर्मिट का कार्ड आ गया, रियलाइजेशन हो गई है, आइसोलेटेड हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तमाम चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। याद बहुत आती है, आपको मिस ज़रूर करते हैं। इनफैक्ट टू ऑफ कप्स, लवर्स और एट ऑफ कप्स, सन, स्टार्स, यानी बहुत आपके मेजर आर्कानाज आए, स्ट्रेट अवे है कि आपके पर्सन आपसे डरते हैं, उनका बहुत दिल भी करता है लेकिन वो किस मुंह से बात करें। विद द डेथ कार्ड उनको ये भी पता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब नहीं रहा उस तरह का, अब उस तरह की चीज़ें नहीं रही, मैं जाना भी चाहूँ तो मैं क्या, मेरे पास मतलब ये वाली मामला यूँ हो गया कि मैं जाकर क्या कहूँ, मैं क्या बात जाकर बोलूँ कि अब हम चलो अब हम ऐसा कर लेंगे, बिकॉज शायद कुछ बचा नहीं था। जो चीज़ें रिलेशनशिप में प्रोग्रेस करती हैं वो बहुत उसकी शुरू वो शुरुआत ही उनकी उन सब चीज़ों से हुई जिसमें फिज़िकल इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग जिसे कहना चाहिए, तो वो जो टाइम था आप लोगों ने शुरू शुरू में इतना स्पेंड कर लिया कि जिसकी वजह से जो चीज़ें जोड़ती हैं इंसान को, पुल करवाती हैं, एक तरफ खींचती हैं, उन सब चीज़ों का सब कुछ हो रहा है, आपको भी तकलीफ़ हो रही है, उनको भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जो मामलात और सूरत हाल सामने उन्होंने कर दी इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की वजह से, उसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। और सवाल ये कि वो आपको मिस करते हैं, यस बिल्कुल मिस करते हैं, लेकिन वो आपसे डरते हैं, उनको मालूम है कि आप गुस्से में हैं और आप अब इस तरफ सर्व भी नहीं करेंगे, चाहे वो लाख आपसे माफ़ी मिनते तरले कर लें, लेकिन आप एक्चुअली वापस पलट भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से सीरीज़ को अगर आप वर्टिकली देखें तो एट ऑफ कप्स, रीयूनियन एंड देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप खुद भी अपने ग्राउंड पर बिल्कुल स्टैंड कर रहे हैं, आपको खुद भी पता है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपने खुद भी अपने एंड पर फैसला कर लिया है। लेट सी मोर, मिस करने की रीजंस क्या हैं। चलिए जी, नाइन ऑफ कप्स, मिस कर रहे हैं ये पता कर लिया, अब मिस करने की रीजंस क्या हैं, लेट सी मिस करने की रीजंस क्या हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, द हेरोफेंट, चलो एक और बात आ गई, इसमें मैं एक आपको बात बताऊंगी। फोर ऑफ कप्स, थोड़े दिनों पहले किसी ने कमेंट किया था कि आपकी रीडिंग में सिर्फ शादीशुदा ही होते तो हम कंवारों का क्या होगा, तो मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे मुन्ना, जो भी हैं आप, रीडिंग जो आती है ना मेरे चैनल पर या मैं जो रीडिंग करूँगी, मैं कोई ऐसी रीडिंग नहीं बताऊँगी कि झूठ नहीं बोलूँगी, आपको ये नहीं कहूँगी कि जो है मैंने कुछ एडिटिंग की है क्योंकि पता नहीं क्या हुआ वीडियो के अंदर, वल्ला आलम। खैर, मैं शादीशुदा पे बात कर रही थी, रीडिंग में जो चीज़ आएगी मैं वही बताऊंगी, तो अगर आप लोग आप अपने हिसाब से रीडिंग के मैसेजेस लीजिए, लेकिन मैं आप अगर आप जो सुनना चाह रहे हैं मैं वो कैसे सुनाऊं, जो कार्ड में आएगा मैं तो वो बताऊंगी ना। यहाँ हेरोफेंट का कार्ड है और हेरोफेंट के कार्ड से अब मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, हेरोफेंट की जो डिटेल होती है वो बहुत सारी रीजंस को रिवील करती है। ऊपर वो क्यों मिस कर रहे हैं मैंने बता दिया, ऊपर वो मिस कर रहे हैं हाँ या नहीं ये बता दिया,
अब मैं बताती हूँ कि वो क्यों मिस कर रहे हैं। एक तो ये कि आप इनकी लाइफ में जब हैं, अभी हैं, नहीं हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ये काफ़ी कंप्लीट फील करते हैं। तमाम ख्वाहिश, यानी वो वाला गाना है ना कि तेरे बिना ज़िंदगी में कोई शिकवा तो नहीं, वो वाली बात है कि तेरे बिना ज़िंदगी भी लेकिन ज़िंदगी तो नहीं, सब कुछ है लाइफ में। लेकिन ये जो 10 कप मिस हो रहा है, जो 9 ऑफ कप्स तो हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, लेकिन वो जो 1 कप मिसिंग है वो आप हैं। तो जो क्यों मिस करते हैं वो इस वजह से, और इसकी क्लैरिटी इनको बहुत बाद में मिली। ये अपनी लाइफ के 9 कप्स में इतने इन्वॉल्व हैं, इतने इंडल्ज्ड हैं कि इनको ये पता बहुत बाद में चला। और जब पता चला है तो फिर इनको ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने कैसे कैसे फैक्टर्स अपने सामने खड़े किए हुए हैं। उन तमाम हेरोफेंट के कार्ड में मैं आपको बताऊं तो सबसे टॉरस एनर्जी है ये, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। हेरोफेंट का कार्ड 3 से 5 चीज़ें बताता है। आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं, आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं या डिवोर्सी हो चुके हैं, आपके पार्टनर में रिलीजियस, आपके रिलेशनशिप में रिलीजियस फैक्टर्स हैं, या कास्ट और कल्चर का डिफरेंस है, और नहीं तो इनका ताल्लुक किसी ऐसी जगह से है जहाँ पर इनके ये इनको बहुत अरसे बाद ये रियलाइज़ हो गया कि ये इस तरह की चीज़ों में पढ़ नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई प्रीस्ट हुए, कोई मौलाना हुए, तो इन लोग के माइंडसेट ऐसा होता है कि इनको नफसानी और नफसी जो आपकी दुनियावी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं उस पर इनको कंट्रोल करना होता है। लेकिन इंसान तो इंसान है ना, तो ये उस तरह के मामला, तब इनको रियलाइज़ हुआ, तो अब रियलाइज़ जब हो गया तब तक तमाम चीज़ें जो थी वो हो चुकी थी। तो ये मैं आपको हेरोफेंट के कार्ड से बता रही हूँ कि शादीशुदा का अगर है तो ये सारी रीडिंग शादीशुदाओं के लिए नहीं होती, आपने वो मैसेज पिक करने हैं। तो मिस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस वजह से बिकॉज उनको बहुत लेटर रियलाइज़ हुआ कि ये सारे फैक्टर्स थे, और इन सारे फैक्टर्स के होने की वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर थे भी भाई तो उस वक्त कहाँ थे जब ये तमाम चीज़ें जो थी वो हो रही थी, ठीक है ना। तो आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, क्यों करते हैं, किस एनर्जी में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है, मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिया। अब मैं देखती हूँ कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है, आपको लगता है कि हाँ यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। ये मेरी रीडिंग जो लोग एंड तक देखेंगे उनको थोड़ा सा इसकी एडिटिंग का मसला लगेगा, क्योंकि पता नहीं रीडिंग को क्या हुआ, ये मैं 3rd टाइम इसको जो है वो मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ, 3 दफ़ा चलते चलते रुक गई है, तो आपको शायद इसकी एडिटिंग का जो है कुछ मामला लगे, ठीक है ना। लेट्स सी अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आपके लिए क्या एडवाइस है। लेट्स सी, मैं आपके लिए येस और नो सेशन भी करूंगी एंड में। फिजिकल टच, ऑल राइट, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। मैंने आपसे कहा था कि जो चीज़ें रिलेशनशिप के एंड में होती हैं वो रिलेशनशिप की शुरू में हो गई, तो इस वजह से ये जो मिस कर रहे हैं आपको सबसे स्ट्रांगली, आपका टच मिस कर रहे हैं, ये आपकी एग्जिस्टेंस और आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप कोई मखसूस परफ्यूम लगाते हैं, आपकी बॉडी का ऑर्डर कोई बहुत ख़ास तौर पर है जो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनफैक्ट दे रियली वॉन्ट टू सी यू फिज़िकली, यानी आपको कहीं सामने देखें, आपसे हाथ ही मिला लें और आपको महसूस कर लें, और ये शायद आपके लिए एडवाइस है कि आप ये फील कर पा रहे होंगे। तो अगर आप अराउज्ड हो, आपके ड्रीम्स में कोई ऐसी चीज़ आए, तो सिग्नल यही होगा कि आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं। आपके लिए एडवाइस फिजिकल टच की है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी किसी को जाकर टच कर लें, नहीं, बट यू नीड टू हैव सम कंट्रोल, बिकॉज़ अगर कोई आपको इस तरह की बातें करके, सडन मीटिंग करके आपके साथ कुछ इस तरह कर दे और फिर आप अपने तमाम उन ग्राउंड्स को छोड़ दें, तो आई थिंक मुझे मुझे आपके लिए भी स्ट्रांग मैसेज यही लग रहा है कि आपको अपने इमोशंस पर और अपने पैशन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये पर्सन आपको पटा सकता है, ठीक है, राइट। ये थी आपकी एडवाइस, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बेस्ट केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ऑल राइट, बाय बाय।